तो स्पॉटिफाई इंडिया ने कल एक ट्वीट किया न्यू पॉडकास्ट अलर्ट वायरस टू थाउजेंड सिक्सटी टू इज अ स्पॉटिफाई ऑरिजिनल हिंदी ऑडियो थ्रिलर फीचरिंग द वॉइज ऑफ़ रिचा चड्ढा एंड अली अफजाल सो रीचा चड्ढा एंड अली अफजाल इज काइंड ऑफ माई फेवरेट इन टर्म्स ऑफ द मूवी आई वुड से तो मैंने सोचा उसका थोड़ा कमेंट्स देख लेते हैं एंड द कमेंट्स दैट आई फाउंड आर वेरी वेरी हिलरियस आई वुड से तो एक ने कमेंट किया टू वायरस अर दे आर इन देयर इन द पिक्चर नो नी टू वॉज दिस थैंक्स फॉर लेटिंग मी नो इन एडवांस गलती से भी नहीं सुनूंगा तो एक्चुअली आई वुड से कि आ, ये कमेंट्स देख के मेरा इंटरेस्ट जाग गया टू एक्चुअली लिसन टू दिस तो मैंने पहले अब इसका ट्रेलर सुना और ट्रेलर सुनने के बाद मुझे कुछ खास नहीं लगा पर कल मेरे पास कुछ करने को कुछ खास नहीं था तो मैंने सोचा कि इसको सुन ही लेते हैं तो मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपको एक आइडिया मिले कि आपको ये पॉडकास्ट सुननी चाहिए कि नहीं तो बेसिकली इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ सीरीज दैट हैज़ बीन आउट देर इज टेन ये एक इंग्लिश वर्जन का हिंदी अडप्टेशन है तो आप अगर चाहे तो इंग्लिश को भी सुन सकते हैं आई गेट इट्स देयर ऑन द स्पॉटिफाई तो पहले शुरू करते हैं अली जफर से तो अली जफर का जो वॉइस है वो माई गॉड इट्स यू नो स्टार्टिंग से ही दैट वॉज वेरी वेरी स्टनिंग तो अली जफर बेसिकली वॉज अ पेशेंट इन दिस पॉडकास्ट तो ये रिचा चड्ढा के पास जाते हैं बेसिकली शी इज अट्रिस्ट उसके बाद क्या होता है कि यू नो ही गोज थ्रू ऑल द डिल्यूजन एंड स्टफ एवरीथिंग दैट ही गॉट इंजेक्टेड एनीथिंग जो मेंटल पेशेंट्स को देते हैं इट बेसिकली मेक्स यू डिल्यूजनल यू सेट वन थिंग ट्वाइस सो जो उसका जो मतलब द वे ही प्रेजेंटेड हिज वॉइस वज रियली रियली गुड यू नो इट वॉज लाइक साउंडिंग इन माई हेड की ऐसा लग रहा था कि मैं सच में वहाँ पे प्रेजेंट हूँ एंड इट वॉज अमेजिंग अगर साउंड डिजाइन की बात करें तो इट वाज फैबुलस फैबुलस आई वुड से वो जो बीप का साउंड कंस्टेंट आता है इन इन यू यू नो नो हॉस्पिटल इट्स इट्स वेरी 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 गुड हैपनिंग एंड साउंड इज वेरी गुड और अली जफर का पूरा वॉयस वाज वेरी वेरी गुड थ्रू आउट द थ्रू आउट द सीरीज आई वुड से पर रिचा चड्ढा की बात करें तो मुझे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट लगा फॉर द फर्स्ट टू एपिसोड कि मुझे ऐसा लगा कि शी इज जस्ट गेटिंग कंफर्टेबल विद इट बट दैट्स माय ओपिनियन आफ्टर टू थ्री एपिसोड शी इज़ गेटिंग बेटर एट इट आई वुड से और अगर लास्ट तक आप सुनते रहे इस पॉडकास्ट को यू विल से दैट रीचा चड्ढा का वॉयस वॉज फार बेटर देन दी अली जफ़र बिकॉज शी परफॉर्म रियली रियली वेल अगर एंड का एपिसोड एटलीस्ट सुनिएगा इफ़ यू और इफ़ यू लिसन टू दिस ओके तो थोड़ा सा प्लॉट के बारे में बात कर लेते हैं इट स्टार्ट्स विद यू नो मेंटल एसाइलम तो ये एक मेंटल एसाइलम पे अली जफर इज़ अ पेशेंट एंड रीचा चड्ढा इज अ डॉक्टर तो हर एक चीज को बहुत ही बारीकी से यू नो डिस्क्राइब किया है अली जफर ने इन दैट पॉडकास्ट सो जो जो यू नो द ग्रे दैट लाइट बल्ब यू नो एंड ऑल्सो द जो जंग का बू आता है टेबल से वो भी उन लोगों ने एक्सप्लेन किया दैट वाज रियली रियली गुड यू नो आप उस एन्वायरमेंट में घुस जाएंगे मैंने सेंडमेंट ऑडियो बुक भी सुना है यू नो नॉट द होल ऑडियो बुक आई वुड से और ऐसे ऑडियो बुक सुनने के बाद थोड़ा एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है बट आई वुड से इट्स स्टिल

तो ये आपको बहुत ही एंगेज करके रखेगा ये कन्वर्जेशन यू नो आपको लगेगा कि नेक्स्ट oh, एपिसोड में क्या होने वाला है एंड यू आर कंटिन्यूअसली जस्ट स्विचिंग ओवर टू दैट इसमें उन्होंने टाइम ट्रैवल की बात की है यू नो मल्टीपल टाइम लाइन एंड स्टफ़ विच इज़ वेरी बेसिक आई वुड से अगर आप ऐसे टाइम ट्रेवल वाले एपिसोड्स और भी पहले सुन चुके सुन चुके हैं या फिर देख चुके हैं तो बहुत सारा साइंस की बातें भी किया है विच मेक्स सेंस और लास्ट में एक ट्विस्ट है Uh, ये ट्विस्ट मैं अगर बताऊँ तो इट वॉज़ एन अमेजिंग ट्विस्ट पर मैं जो कि बहुत सारा आ, थ्रिलर देखता हूँ या फिर थ्रिलर पॉडकास्ट वगैरह मैं सुनता हूँ आई वुड से मुझे कुछ खास नहीं लगा पर आप अगर यू नो ज़्यादा थ्रिलर पे नहीं घुसे हो आ, जैसे रिसेंटली मैंने मूवी देखा था हसीना दिलरुबा इट एंड इट वाज आल्सो प्रेडिक्टेबल पर जो नए लोग थे यू नो विच वॉज न्यू टू द थ्रिलर एंड स्टफ उन लोगों को तो मतलब उनका दिमाग फट के हाथ में आ गया ऐसा कुछ हुआ मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा तो ट्विस्ट भी बहुत अच्छा है आई वुड से इफ़ यू जस्ट स्टिक टू द एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट तो आप किसी किसी को लग सकता है कि ये थोड़ा सा ओपन एंडेड पॉडकास्ट था मतलब दे कैन यू नो टेक इट फर्दर एंड क्रिएट मोर एपिसोड्स उन लोगों ने थोड़ा सा ओपन एंडेड भी रखा है एंड आई एम नॉट गिविंग यू स्पॉयलर बट इवन इफ दे डोंट मेक एनी अदर सीरीज़ इट्स जस्टिफाइड बिकॉज ये बहुत ही अच्छा एंड था एंड इट मेक्स सेंस एक क्वेश्चन आपके दिमाग में लाता है इस पॉडकास्ट से मैंने क्या सीखा ये तो बनता है आ, तो एक चीज़ जो मैंने सीखा है कि डिजिटली हर चीज़ को मत रखी है यू शुड कीप समिंग एज ऑफलाइन एज पॉसिबल क्योंकि सपोज़ आपके जो फोटोज़ वगैरह है उनको डिजिटली सिर्फ मत रखिए क्योंकि आप यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ के बारे में बात किया था कि विच इज़ कॉल्ड द ग्रेट डिलीशन तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बोल लेते थे कि यार वहाँ पर एक ए था विच बेसिकली डिलीट्स एवरीथिंग इन द फ्यूचर तो आपका जो जो भी डेटा हो इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक थिंक अबाउट इट योर फोटोज़ एंड स्टफ़ एवरीथिंग गॉट्स डिलीटेड योर बैंक अकाउंट जो भी हो एवरीथिंग तो सोच के देखिए तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ऑफलाइन भी रखनी चाहिए यू टेक बैकअप ऑफ योर फोटोज ऑन योर एंड हार्ड ड्राइव और स्टफ और मैं बहुत ही प्राउड फील करता हूँ क्योंकि मैं ऑफसीडेंट पे नोट टेकिंग करता हूँ नोशन पे नहीं और यस आई नोशन एवरी डे फॉर यू नो कंटेंट क्रिएशन इज स्टफ पर आप अगर ऑक्सीडेंट के बारे में नहीं सुना एंड इफ यू डोंट हैव एनी आइडिया कि किस बारे में मैं बात कर रहा हूँ देर इज अ लिंक दैट यू सी राइट ना ऑन द स्क्रीन यू कैन यूज इट टू सी द वीडियो एनी पॉइंट पे आता है तो आपको ये क्यों देखना चाहिए या फिर किसी क्यों नहीं देखना चाहिए तो इफ़ यू हैव टाइम अगर आपके पास यू you नो know, दो घंटा है जस्ट टू स्पेयर दैट टाइम ऑन समथिंग जो आपके दिमाग में थोड़ा सा ज़्यादा जोर ना डालना पड़े देन यू कैन वॉच यू नो नॉट वॉच यू कैन लिसन टू दिस एंड अगर आप न्यू हो साइंस फिक्शन एंड थ्रिलर के दुनिया में ये सीरीज आपके दिमाग को झंझोर के रख देगा यस 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 दैट्स द वर्ड अमेजिंग बिकॉज आप अगर नए हो इसको ये सीरीज आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है ओके okay. और अगर आप थोड़ा सा अच्छा साउंड का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो इफ यू आर जस्ट लिसनिंग टू स्टोरीज ऑन यूट्यूब एंड स्टफ बहुत सारा लोग है जो यूट्यूब वगैरह में यू नो स्टोरीज वगैरह सुनते हैं आई वुड से उनका क्वालिटी अच्छा है देयर वॉइस क्वालिटी इज़ वेरी गुड बट देर साउंड डिज़ाइन इज नॉट दैट गुड तो आप अगर इस साउंड डिज़ाइन के लिए इसको एक बार एक्सपीरियंस करना चाहोगे तो आई वुड डेफिनेटली से कि एक बार एक्सपीरियंस करो क्योंकि इसका जो साउंड है वो आपके दिमाग में कॉन्स्टेंटली घूमता रहेगा एंड इट इज़ अमेजिंग ओके मैं रात को यह सुनना रिकमेंड नहीं करूँगा इफ़ यू जस्ट यू नो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दस पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड आई वॉन्ट से कि आप ये रात को सुनिए अब मैंने पूरा एपिसोड रात को ही सुना वैसे बट स्टिल आई रीसेट विद मेडिटेशन इट्स इट्स ओवरऑल इट्स इट्स अ गुर गुड सीरीज आई वुड से मुझे अगर रेटिंग करना हो नो बडी इज आस्किंग फॉर रेटिंग दो आई वुड गिव इट थ्री पॉइंट फाइव आउट ऑफ फाइव सो इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी तो आज के लिए बस इतना है ये वीडियो मैंने रैंडमली ऐसे ही बना दिया था और अगर आपको कुछ बुक्स वगैरह में के बारे में जानना है नोट टेकिंग वगैरह के बारे में जानना है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए जिसमें मैंने शेयर किया है कि मेरा सेवन फ्रें फेवरेट बुक्स कौन सा है तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए हैव अ गुड डे